कक्षा क्लास 7 विषय विज्ञान अध्याय 4 उसमें जिसके अंतर्गत कल हमने जल में उष्मा का संबंध पढ़ा था, जिसके अंतर्गत एक कांच के बर्तन में हम पानी लेते हैं और किसी स्टेट के ऊपर रख करके हम उसमें पानी स्टोव के द्वारा उसको गर्म करते हैं और उसमें से जब जो ताप लगता है पानी गर्म होकर उसमें से जो भाप बनकर के जो ऊपर निकलता है वो हम उस क्रिया को जब तक कि सारा जल गर्म न हो तब तक हम ये करते रहते हैं तो ये सहन क्रिया कहते हैं। अगला आसन है, जैसे आपने एक मोमबत्ती लीजिए और मोमबत्ती जलाकर अपने दोनों हाथों को एक इस मोमबत्ती के ऊपर रखते हैं, एक पास में हम मोमबत्ती को रखते हैं तो हम ये अनुभव करते हैं इस मोमबत्ती के ऊपर हाथ है वो हाथ गर्म हो जाता है, जो पास वाला हाथ है वो गर्म नहीं होता है, वो ठंडा ही रहता है। हम अनुभव करते हैं कि यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है, जो पास वाला जो हम मोमबत्ती के ऊपर जो हम हाथ रखते हैं वो ज़्यादा गर्म होता है और पास वाले को ज़्यादा गर्म नहीं होता है। हमको ये सावधानी रखना है कि उस मोमबत्ती से थोड़ा हमारा हाथ न जल जाए। ध्यान दीजिए कि ऊपर की ओर की वायु सहवन द्वारा गर्म विधि के द्वारा करते हैं, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है, तथापि पार्श्व की वायु सहवन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, क्योंकि पास वाला जो हाथ होता है वो गर्म नहीं हो पाता है, इसलिए वायु की लोभ के ऊपर की वायु जैसे गर्म नहीं लगती है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजनात्मक परिघटना का अनुभव करते हैं, दिन के समय स्थल या धरती का जो जल है, जो स्थल धरती का तल है, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजनात्मक परिघटना का अनुभव करते हैं, दिन के समय स्थान धरती या थल जल की उपेक्षा शीघ्र गर्म होता है, स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, पानी के जो ऊपर जो हवा है वो गर्म महसूस होती है, इसका स्थान लेने के लिए समूह की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है, चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर आने वाली वायु को समीर कहते हैं, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं, थल समीर स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है उसको हम थल समीर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है, ताकि ठंडी हवा उन खिड़कियों के माध्यम से उन भवनों में उन इमारतों में पहुंच सके, इसलिए समुद्र का जल स्थान की उपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है उसको हम थल समीर कहते हैं। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं, जैसे सूर्य से हम तक उष्मा कैसे पहुँचती है, सूर्य की जो पराग्नि जो किरणें हैं वो सूर्य से प्रकाशित धूप
अनुभव करते हैं। ये चालन अथवा सहवन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये दोनों प्रकरणों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में अधिकांश स्थान में कोई माध्यम नहीं है, जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा के अन्य प्रकरण द्वारा आती है, जिसे विकिरण कहते हैं। उनकी जो सूर्य के द्वारा जो निकलने वाली जो विकिरण जो किरणें हैं, उनसे हमको अनुभव होता है कि आज मौसम गर्म है, ऊष्मा अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तरह हीटर के सामने जब बैठते हैं, तापक हीटर के पास बैठते हैं, तो हमें इसी प्रकरण द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन तथा ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है, इसे ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकसित करता है। ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इसका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग प्राणवायु हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर बैठते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है, क्योंकि उनकी किरणें बहुत ही अधिक सीधी पड़ती है विकेट है, तो हम छाता और करके बैठते हैं ताकि डायरेक्ट वो किरणें हमारे शरीर के ऊपर न पहुँचें। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार, जैसे गर्मियों में जब हम हल्के रंग के वस्त्रों को पहना जाकर भरीता देते हैं, सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे दिन में कुछ ऐसे 3 के 1 जैसे 2 डिब्बे लीजिए, इनमें से 1 के बाहरी पृष्ठ को काला और 2 के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद कर दीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल में ताप मापिए, दोनों में ताप में कुछ अंतर पाते हैं। जल अधिक गर्म है, केवल जल को शुक्र भी आम दोनों के ताप में अंतर अनुभव हम कर सकते हैं। क्रियाकलाप देखिए, जैसे उपयोग के लिए गए दोनों डिब्बों को लीजिए, 1 दोनों में समान मात्रा में समान जल लगभग 7 डिग्री टेम्परेचर तथा उसको गर्म कीजिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर पे कम हुआ? क्या इन क्रियाकलापों में आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षा कर अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के अन्य वस्त्र हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े उस भी किरणों के अधिकांश हमको गर्म लगता है और हमारा शरीर भी गर्म लगता है।